भारतीय वजीर आजम को किसी जगह बुलाया जाए तो वो दूसरे सरबराह के गले ही पड़ जाते हैं। भाई बात कुछ ऐसी है कि हर मुल्क की अपनी रिवायात होती हैं। किसी जगह गले मिलने को खैर मकदम का दर्जा हासिल है तो कहीं लोगों को इस अमल से उलझन और कोफ्त महसूस होती है, लेकिन अब मोदी को ये बात कौन समझाए। उन्हें तो वैसे भी लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद के अलावा और कुछ मुश्किल से ही समझ आता है। अब यहीं देख लें, मोदी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए तो अक्वामे मुताहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुतरश के गले ही पड़ गए। हमारा मतलब है कि गले लग गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपना चेहरा भी उनके करीब कर लिया। अब लगता है मोदी कोरोना के दौरान समाजी फासले की इस तरह के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अक्वामे मुताहिदा के सेक्रेटरी को मोदी की यह हरकत काफी बुरी लगी। उन्होंने मोदी की इस तरह जबरदस्ती गले पड़ने पर न सिर्फ बुरा सा मुंह बनाया बल्कि उन्हें हाथों से पीछे भी कर दिया। भारतीय वजीर आजम को हमारा मशवरा है कि अगली बार जब किसी दौरे पर जाएं तो उस मुल्क की रिवायात के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं, वरना हर जगह इस तरह शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जैसा कि जापान के वजीर आजम शिंजो एबे के सामने उठानी पड़ी। सारी दुनिया जानती है जापान में मुलाकात करते हुए सर खम किया जाता है, जबकि हुक्मरान ऐसे मौकों पर सिर्फ हाथ मिलाना पसंद करते हैं। जाने मोदी को हर किसी से गले मिलने का इतना शौक क्यों है। मैक्सिको की रिवायात के मुताबिक जब वहाँ कोई किसी से पहली बार मिलता है तो सर खम करके अपना तारुफ करवाया जाता है। मिस्टर मोदी जब मैक्सिको के सदर एंड्रेक पीना नेटो से मिले तो बजाय उनकी रिवायात का एहतराम करने के उन्हें भी जबरदस्ती गले लगा लिया। एक बार तो नरेंद्र मोदी ने हद ही कर दी जब फ्रांस के सदर फरीन क्वाइस होलैंड की उनसे मुलाकात हुई। मोदी ने उस मौके पर न सिर्फ उनको गले लगाया बल्कि पीछे से पकड़कर गले लगा लिया। मुख्तलिफ अखबार में मोदी के इस अंदाज को टाइटैनिक पोज से तशबीह दी जाती रही।